हेलो एवरीवन, एमबी बोर्ड बेस्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपको लगातार मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो एवरीवन, आज अणुसंख्यक गुण का अगला उदाहरण हिमांक में अवनमन हम लोग देखेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बिल्कुल क्वथनांक में उन्नयन के समान ही हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे, अर्थात सबसे पहले हिमांक को परिभाषित करेंगे, फिर हिमांक अवनमन को परिभाषित करेंगे और उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुण है, अर्थात हिमांक में अवनमन की सहायता से हम विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। हिमांक की परिभाषा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो हिमांक पर ठोस और द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं। अब हम हिमांक अवनमन को परिभाषित करेंगे। देखिए, क्वथनांक उन्नयन में हम लोगों ने देखा था कि क्वथनांक और वाष्प दाब में उल्टा संबंध है, अगर वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन हिमांक का वाष्प दाब से सीधा संबंध है, अर्थात वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक भी कम होगा और वाष्प दाब बढ़ेगा तो हिमांक भी बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिकतम होता है और विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है, परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक भी कम हो जाएगा। हिमांक में इस कमी को हम हिमांक अवनमन कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को भी हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, यहां जो ग्राफ मिला है, ठोस विलायक और द्रव विलायक, आप देख रहे होंगे कि दो अलग अलग वक्र हैं। उसके पीछे कारण है, हिमांक पर ठोस और द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं, यहां प्रावस्था संक्रमण हो रहा है, द्रव से ठोस में प्रावस्था संक्रमण हो रहा है। हम लोगों ने ऊष्मागतिकी वाले अध्याय में यह पढ़ा है कि प्रावस्था संक्रमण निश्चित ताप पर होते हैं, जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में ताप स्थिर हो जाता है, केवल ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, ये दो अलग अलग वक्र हमको प्राप्त होगा, कब? जब द्रव विलायक ठोस में परिवर्तित होगा तो द्रव अवस्था का वाष्प दाब वक्र अलग प्राप्त होगा और ठोस अवस्था का वाष्प दाब वक्र अलग प्राप्त होगा। तो चलिए हिमांक अवनमन को समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर हमने शुद्ध जल लिया, ये यहां रूम टेम्परेचर है और जल का कुछ भी वाष्प दाब होगा वो यहां हमने प्रदर्शित किया है सी बिंदु पर। अब जैसे ताप में वृद्धि करने पर वाष्प दाब में वृद्धि होती है, ठीक उसके विपरीत ताप में कमी करेंगे तो वाष्प दाब में कमी होगी। तो यदि हम वाष्प दाब में कमी करेंगे तो वक्र नीचे की ओर आएगा और वाष्प दाब कम होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी जब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ये जो ताप है, यहीं पर प्रावस्था संक्रमण होगा, अर्थात द्रव विलायक
ठोस विलायक में परिवर्तित होगा। तो यहां पर वक्र कुछ देर के लिए रुक जाएगा क्योंकि ताप स्थिर हो जाएगा, केवल ऊष्मा में परिवर्तन होगा। और द्रव से ठोस में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करने की आवश्यकता है, उतनी ऊष्मा जब उत्सर्जित हो जाएगी तब वह ठोस में परिवर्तित होगा, और उसके बाद हम और ताप कम करेंगे तो ठोस विलायक का वाष्पदाब कम होते चला जाएगा। तो इस प्रकार द्रव विलायक और ठोस विलायक के वाष्पदाब वक्र हमको अलग अलग प्राप्त होंगे। अब पुनः हम यहीं पे आ जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर हमने जल लिया था, जल में कोई अवाष्पशील विलय कर देते हैं, घोल देते हैं, क्या होगा? जैसे ही अवाष्पशील विलय घोलेंगे तो विलयन का वाष्पदाब नीचे गिर जाएगा। तो बिंदु सी से विलयन का वाष्पदाब कहां आ गया? ई पर आ गया। अब विलयन के साथ भी वही होगा, जैसे जैसे हम ताप कम करेंगे विलयन का वाष्पदाब कम होगा, तो ये वक्र नीचे की ओर आएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलयन में जो विलायक है उसका वाष्पदाब, यहां याद रखना है विलेय पदार्थ अवाष्पशील है, यहां हम विलयन में उपस्थित विलायक की बात कर रहे हैं, तो विलयन में जो विलायक उपस्थित है उसका वाष्पदाब कम होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ठोस हुए विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। किसका वाष्पदाब? विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब। और जहां पर ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा वहां पर विलयन ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो विलयन जो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, वास्तव में विलयन में उपस्थित विलायक ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि बिंदु बी पर द्रव विलायक और ठोस विलायक के वाष्पदाब परस्पर बराबर हैं। अतः बी का जो संगत ताप हम लेंगे एक्स अक्ष पे T0F, ये शुद्ध विलायक का हिमांक होगा। इसी प्रकार बिंदु डी पर विलयन का वाष्पदाब ठोस हुए विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, अर्थात बिंदु डी का संगतता TF विलयन का हिमांक होगा। तो बहुत स्पष्ट है कि विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम है, अर्थात TF इज लेस देन T0F। और हिमांक में जो ये कमी हुई है इसी को हम कहते हैं हिमांक में अनमर। इसको डेल TF द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल TF बराबर से T0F माइनस TF, शुद्ध विलायक का हिमांक में से विलयन के हिमांक को हम घटा देंगे तो हिमांक में कितना अवनमन हुआ वो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब बिल्कुल क्वथनांक उन्नयन की ही भांति हिमांक में अवनमन भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो यहां पर डेल TF समानुपाती क्या हो जाएगा? विलयन की मोललता। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का गुणा करेंगे KF, जहां KF एक स्थिरांक है, इसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यह भी संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, सीधे सीधे संक्षिप्त टिप्पणी में मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक लिखने के लिए आएगा। तो आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, और ये दोनों व्यंजक लिखने के बाद जहां KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यहां भी प्रश्न बनता है विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का, तो विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम मोललता का मान रख देंगे, चूंकि मोललता बराबर से क्या होता है WB/MB × 1000/WA। WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान। WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। MB क्या है? विलेय का
अणुभार। तो यहां पर ये जो मोललता का मान है हम इस व्यंजक में रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल टी एफ बराबर से के एफ गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए। अब देखिए इस व्यंजक में विलेय का अणुभार आ गया एम बी, तो विलेय के अणुभार के अतिरिक्त अन्य सभी मान अगर दिए गए हो तो हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह एक कंप्लीट प्रश्न है। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुण है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिमांक को परिभाषित करेंगे। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए, हिमांक अवनमन को परिभाषित करेंगे। हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिकतम होता है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय विलेय करने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफ पे आ जाएंगे। चित्र में ताप के सापेक्ष वाष्प दाब वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है। वक्र एबी तथा बीसी क्रमशः ठोस विलायक और द्रव विलायक के वाष्प दाब वक्र है। वक्र डीई द्रव विलयन के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। बिंदु बी पर द्रव विलायक और ठोस विलायक के वाष्प दाब आपस में समान है, अतः बिंदु बी का संगत ताप T0F शुद्ध विलायक का हिमांक होगा। इसी प्रकार बिंदु डी पर द्रव विलयन और ठोस विलायक के वाष्प दाब आपस में समान है, अतः डी का संगत ताप TF विलयन का हिमांक होगा। और उसके आगे चित्र से स्पष्ट है कि TF इज लेस देन T0F अर्थात डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF, जहां डेल TF हिमांक में अवनमन है। और उसके आगे हमें ये अणुभार वाला व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अतः ये दोनों व्यंजक लिख के ये मान रख दीजिए तो ये व्यंजक आ जाएगा। इसकी सहायता से हम विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हिमांक में अवनमन कंप्लीट हुआ। हिमांक में अवनमन पर एक प्रश्न है आपके लिए। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के मौसम में कुल्फी वाले जो ठेले पे कुल्फी बेचते हैं उनके बॉक्स में जब वो कुल्फी का मसाला डालते हैं फ्रीज होने के लिए तो मात्र 10 या 15 मिनट में कुल्फी उसमें फ्रीज हो जाता है। लेकिन वही मसाला अगर उनसे लेकर आप अपने फ्रिज में जमाना चाहें तो वो 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें आपको हिंट देता हूं। कुल्फी जमने का जो बॉक्स होता है उसमें हिम मिश्रण होता है। हिम मिश्रण अर्थात बर्फ और नमक का मिश्रण। तो बर्फ और नमक के मिश्रण में कुल्फी तुरंत जम जाती है, जबकि हम लोग फ्रिज में उसको जमाने की कोशिश करते हैं तो काफी समय लगता है। इसका उत्तर आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। इसके पहले के वीडियो में एक प्रश्न मैंने आपसे किया था कि दाल को यदि जल्दी पकाना है तो उसमें नमक मिलाएं अथवा नहीं। तो सही आंसर है कि दाल में अगर हम नमक मिला देंगे तो दाल जल्दी पकेगा। कारण है नमक एक अवाष्पशील विलेय है। जैसे ही उसको हम दाल में डालेंगे तो दाल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा और जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो दाल जल्दी पकेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अणुसंख्यक गुण का अंतिम उदाहरण परासरण दाब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।